नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि यदि छिपकली आपके शरीर के किसी भी अंग पर गिरे तो उसका क्या फल मिलता है। दोस्तों, आज के दैनिक जीवन में कहीं न कहीं जाने अनजाने में छिपकली हमारे ऊपर गिर जाती है, हमारे पैरों से दब जाती है, और उसका क्या फल होता है, इसका शकुन और अपशकुन क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चौपाई बताऊंगा, जिस चौपाई के अंतर्गत आपके शरीर के किसी भी अंग पर अगर छिपकली गिरी है तो उसका क्या शकुन होता है और क्या अपशकुन होता है आपको पता चल जाएगा। जैसा है कि दोस्तों, कि सिर पर गिरे राज सुख पावे और ललाट ऐश्वर्य आवे, कंठ मिलावे पिय को लाई, कांधे पड़े विजय दर्शाई, जुगल कान और जुगल भुजा हूँ, गोधा गिरे होय धन लाहूँ, हाथन ऊपर जो कहूँ गिरई, संपत्ति सकल गेह में धरई, निश्चय पीठ परे सुख पावे, परे काक पिय बंध मिलावे, कटके परे वस्त्र बहुरंगा, गुदा परे मिल मित्र अभंगा, जुगल जांघ पर आन जो परई, धनगन सकल मनोरथ भरई, परे जांघ नर होय निरोगी, परब परे तन जीव वियोगी, या विधि पल्ली सरट विचारा, कहो भंकरी ज्योतिष सारा। भंकरी जी ने इसके बारे में पूरा विवरण दे दिया है। इसका दोस्तों, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका जो मतलब होता है कि छिपकली यदि सिर पर गिरे तो राजसुख मिलता है, ललाट पर गिरे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कंठ पर गिरे तो प्रियजन से भेंट होती है, कंधे पर गिरे तो विजय होती है, यदि दोनों कानों और दोनों भुजाओं पर गिरे तो धन का लाभ होता है, यदि हाथों पर गिरे तो धन आता है, पीठ पर गिरे तो निश्चित सुख मिलता है, कांख पर पड़े तो धन आदि सभी मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं, एक जांग में पड़े तो मनुष्य निरोगी रहता है, यदि पर्व के दिन गिरे तो शरीर और जीव का वियोग होगा। इस प्रकार ज्योतिष का जो भी छिपकली के बारे में सारा उल्लेख है, सारा विचार है, भंकरी जी ने इस चौपाई के अंतर्गत बता दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों नमस्कार।